गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अब हो रहे सुबह के 7 और जस्ट मैं सो के उठी हूँ, मतलब अब उठ रही हूँ। लाइट खोल दी मम्मा ने, क्योंकि आज ही घर में मेरी दादी जी का श्राद्ध, जैसे कि आप लोगों को पता है श्राद्ध चल रहा है घर में, तो है मेरी दादी का श्राद्ध। आज काफ़ी खाना वाना बनेगा, सब होगा, थाली निकलेगी और फिर मुझे ऑफिस भी जाना है, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी ले नहीं सकते। मैं संडे को भी ऑफिस नहीं गई थी, तो जितना हो सकेगा मैं घर आके चली जाऊँगी 11 बजे तक, बाकी वो भी देख लेगी। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी आज। चलो जल्दी जल्दी से सारा काम करते हैं, निमटवाते हैं यार। देख, बेड पे सोती हूँ, इसको खोल के, ये जो है ना हमारा, ये है छोटा कम बड़ा बेड, छोटा दीवान कम बेड है ये। हाँ, इसको जब खोल लेते हैं तो डबल बेड बन जाता है रात को, अदरवाइज ये सिंगल बेड ही रहता है। तो मैं इसे बंद करूँगी फटाक से सफाई करेंगे, फिर और काम देखते हैं। सो गाइस, अब मैं जाऊँगी नहाने। मम्मी तो खाली ना, जब मैं सो के उठी थी तुम नहा चुकी थी, जब नहाने जा रही थी तुम, है ना? और बैठी थी बिस्तर। मम्मी बना रही है यहाँ पे पकौड़ी मूंग की दाल की, देखो, और ये बन रही है खीर। देखो बहुत सारा फेंटना पड़ता है, नहीं तो इसके अट्ठे आ जाती है। तो अब जल्दी से मैं नहा के आऊँगी, उसके बाद हाँ मैं नहा के आ रही हूँ। आने के बाद अरबी छील दूंगी, मूली कस दूंगी, मेवा काट दूंगी, ड्राई फ्रूट सब काम कर दूंगी। बस नहा के आ रही हूँ, इतने 10-15 मिनट। हाँ तुम गोभी आलू छोक देना। गाइस, शार मैंने ले लिया है, बाल बांध रखे, क्योंकि जस्ट भी कर दिया, किसी खाने में बाल गिर जाए ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? और खाने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है, हमारी पकौड़ी बाकी सारी तो बन गई। इसमें ये रही पानी में डाल दिया, ऐसे वाला लास्ट खाने उतर जाएगा। ये रही खीर, इसमें है सब्जी, किस चीज़ की, सीताफल है इसमें। अच्छा, मूली का मैंने कसी लिया, ये रहा। अब मैं जरा अदरक काटूंगी, क्योंकि ना शराब के खाने में अदरक के बिना वो पूरा नहीं होता, कहते हैं अदरक जरूर होनी चाहिए, अदरक के बिना थाली पूरी नहीं होती। तो मैं अदरक काटूंगी और अरबी छीलनी है, कांगी अरबी, ये रही अरबी छीलनी है, अरबी छीलूंगी, अदरक काटूंगी, ड्राई फ्रूट्स काटूंगी, फिर मम्मी ना सब्जी छौंक देंगी। बस आज खाने में बनने वाला है मटर पनीर, आलू गोभी, अरबी, सीताफल, दही की पकौड़ी, खीर, रायत, लच्छा और पूरी कचौड़ी, ये सब होने वाला आज वेन्यू में। चलो जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, इसमें क्या है, दही की पकौड़ी बना दी, ये रही, अभी ऊपर पानी पानी है थोड़ा, वो पी लेगा ना इसलिए। इसमें है मेरा लच्छा, इसमें पैक करके रख दिया, अरबी छिली रखी, मम्मी अभी भूनेंगी, सीताफल बन रहा है, आलू गोभी और खीर भी बन गई। बस अब मटर पनीर बनानी बाकी है और आटा मल के पूरी बनानी, सारा काम तैयार, फिर मैं चली जाऊँगी 11:30 बजे तक चली जाऊँगी। आलू सर तो मैं सुबह 11:30 ही आते हैं, तो मैं 11 बजे चली जाऊँगी। क्या क्या काटना है? काजू बादाम, हाँ, किशमिश रखी नहीं है, किशमिश काटनी थोड़ना है। अरे बहुत बड़ी बड़ी है, दो दो कर ली, देख ली। अच्छा, काजू बादाम तो ये रहे, काजू का है, हैंगे काजू, काजू हैंगे हैं? कौन से वाले डिब्बे में? ठीक है, तो मैं ये काट लेती हूँ। सो गाइस, इट्स ऑलरेडी 10, 10 बज चुके हैं, पर मैं ऑफिस तो लेट ही जाऊंगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो ना काले तिल लेने जा रही हूँ मैं, वो कहते हैं ना, तो शरारत में खाना निकालते हैं ना, अंतकाल में काले तिल जरूर होने चाहिए, काले तिल के बिना ना थाली लगती नहीं है, तो मैं वही काले तिल लेने जा रही हूँ। देखते हैं मिलते नहीं मिलते अंकल के, नहीं तो फिर प्रथम लेके आएगा अंकल। काले तिल है आपके यहाँ? 20 रुपये के दे देना। सो गाइस, देखो गई, ये रही, बाकी सब सामान ये रहा, जितनी भी सब्जियाँ थी और ये रहा लच्छा वगैरह, बस अब पूरी उतार रहे हैं, आटा मल गया, कढ़ाई हो गई मम्मी, हाँ बस देखिए अभी थोड़ी सी और हो जाएगा, तो पूरी उतार लेंगे, थाली लगा देंगे। पहले 4
और दो वो पांच और पांच दस पूरी उतार लेना पहले और पांच छह कचौरी है ना थाली की मंदिर की और अंतकाल की चार तो अंतकाल की एक गाय की पांच हाँ तो पांच वो हो गई और चार उसकी थाली की क्योंकि चार पूरी रखेंगे चार कचौरी ना और एक भोग की पूरी फिर एक कचौरी रखेंगे हाँ बस पिताजी नहीं आए तो क्या चाहिए कोई नहीं खड़ा पनीर अभी ना हो गया अभी मैंने डाल के दी पनीर की तला था ना हाँ पनीर तला था ना बहुत गर्मी है यार सो गाइस देखो थाली भी तैयार हो रही जो मंदिर में जाएगी थाली चारों सब्जी लच्छा खीर और दही की पकौड़ी बस पूरी कचौरी रखनी रह गई ये ठाकुर जी का भोग भी लगा लिया इसमें भी सब्जी वगैरह सब हो गई और लगा लिया अंतकाल मतलब दो गाय की एक कौवे की कुत्ते की और ये चूल्हा जी माई की क्या कह रही हो पूरी और कचौरी करनी है बहुत तैयार और मैं चली जाऊंगी बस ऑफिस है आप अभी नहा लिए बस काम नहीं मच जाएगी फिर तो तुम्हारा हाँ इस बार जल्दी निकल जाएगी थाली है ना तो मैं भी सवा सात बजे उठ गई थी फिर मैं हाँ तो मैं उठ गई थी हाँ तो मैं सवा सात उठ गई थी फिर आज कटिंग करना है इसे हाँ कोई कोई अंधकाल तो निकाल ही दिया थाली भी रेडी हो गई बस थाली निकाल देंगे वो रख देंगे और मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए लंच लेके बस अब मैं जा रही हूँ ऑफिस अब बज रहे हैं 11 बजने में 10 मिनट तक तो एग्जैक्ट 11 बजे तक मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगी क्योंकि मेरा ऑफिस पास में ही है ना इसलिए और ये अगर मेरे पीछे बताते तो टाइम लगता और ये दुकान से आए तो मुझे सब कुछ हो गया अरे गाइस ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा था तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई और आज ऑफिस से निकलने में हो गई देर मेरे को बच गए 7:15 खैर अब तो रोज़ ऐसे ही होगा और मेरे को रिक्शा भी नहीं मिली तो मैं जा रही हूँ फिलहाल पैदल पैदल रिक्शा कर लूँगी हमें वो बच्चे चलो चलते हैं और सुबह जब जाते हैं फेस कैसा होता है जब वापस जाते हैं तो फेस कैसा हो जाता है ना हालत इतनी बुरी हो जाती है खैर कोई नहीं देखो साड़ी वाला कैसे सजा रहता है ये है किसी महल की तरह तो मैं आपसे मिलती हूँ घर पहुँचने के बाद पढ़ रही है तू देखो लिख रही है क्या लिख रही है तू अच्छा कौन कौन से टेंसेज होते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंसेज विच वन और प्रेजेंट में क्या चीज आती है और पास्ट में लुक टेंसेज सीखने दो इससे सीख लो मोटी से और फ्यूचर में और शैल किसके साथ लगता है देखो ये देखो बैठा हुआ वो खा रहा है दही सौर की पापड़ी और शिनचैन इनके घर में मोदी शिनचैन चलता है हेलो यू कैन सी मी इन मिरर ये डोरेमोन चलता है ये छोटी ये डोरेमोन और चलो मैं चलती हूँ घर मेरे को पास सो गाइज यहाँ पे सांची मेरे से खेल रही है मौसी जीरो कट पुस खेलेंगे आई सेड ओके बोले चलो वीडियो बनाओ तो देखते हैं कौन जीतता है तू खेल पहले हर चीज में तू आ गया शैतान कहीं का ये सांची का बन गया हमें सो गाइज मैंने व्लॉग चालू किया था फर्स्ट डे से और ये हो चुका है नेक्स्ट डे रात की हो रही हूँ ऑफिस से आ चुकी हूँ मैंने लगाया था मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक तो मैं जल्दी से करके आती हूँ इसको फेस वॉश और फेस वॉश करने के बाद चेंज करूँगी और चेंज करने के बाद थोड़ा सा पढ़ूंगी मैं मतलब थोड़ा अपने बेड वेड खोलूँगी इस बार थोड़ा सा पढ़ूंगी यार थोड़ा बहुत पढ़ते रहना चाहिए जिससे कि ना भूल जाने चाहिए तो मैं आपको सब दिखाऊंगी तो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बेल बटन भी हिट कर देना अगर मैं कहती नहीं हूँ तो गाइस इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना नहीं आपको करना है ठीक है और मुल्तानी मिट्टी जब भी लगाओ ना पूरा उसे ड्राई मत होने दो थोड़ा गीला जैसा ही ऐसे में उसे वॉशअप कर दो अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा इंची इंची या बहुत स्ट्रेची स्ट्रेची हो जाता है तो प्लीज़ अवॉइड करना पूरा करने को चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में सो गाइस चेंज कर लिया देखो और खाने में बनाया मम्मी ने जवे रात के लिए अच्छे लगते हैं यार मम्मी घर में तोड़ती हैं वैसे भी यार उनको तोड़ने में ना बहुत मेहनत लगती है बट मम्मी घर में तोड़ती हैं वैसे मुझे भी आते हैं किस किस को जब तोड़ने आते हैं ना कॉमेंट में बताओ और ये है ना इसमें हिंग का चाट
गाइस ये इतना टेस्टी है ना, इतना डिलीशियस, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। मैं इंजॉय करूँगी अपने डिनर और मैंने निकाल ली यहाँ पे अपनी बुक पढ़ने के लिए कस्टम लॉ, मतलब कहाँ है GST। वैसे मेरे को GST आती है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी को कोई ओपिनियन चाहिए या कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी बात नहीं। अगर आप कोई चाहते हो मैं इस रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इस रिलेटेड भी कोई वीडियो बनाऊंगी। मैं सोच रही थोड़ी नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए भी, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो क्या करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं यार। अचार इतना खट्टा है ना, बहुत खट्टा। और मेरे जो ऑफिस में मेरी फ्रेंड है ना वैष्णो, भी उसका फेवरेट है, शी लव्स इट। यम्मी हो रहे हैं। जल्दी से अपना डिनर फिनिश करती हूँ, देन आई विल सी यू ऑल गाइस। साथ में पढ़ेंगे फिर GST, है ना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी GST के बारे में। इट इज स्टडी टाइम गाइस। अच्छा चलो बताओ कस्टम ईयर क्या होता है। अच्छा चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप मुझे बताना। GST जो होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, किस पे लगती है किस पे नहीं लगती। बहुत से आइटम ऐसे हैं जिस पे GST नहीं लगती, तो आप मुझे इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर देना इस वीडियो के कमेंट में, ठीक है ना। सो गाइस चलो मैं तो पढ़ लेती हूँ, आप लोग भी पढ़ लो, जो काम करना है वो करो, नहीं तो रात को सो नहीं करो। मैं पढ़ के फिर सोऊंगी, फिर जाना सुबह ऑफिस, यार सुबह ऑफिस शाम को पढ़ाई, कितनी हेक्टिक लाइफ है ना, साथ में यूट्यूब में। बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड, छोटा भाई आया भी तुमसे, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फॉर मी टू यू, बाय गाइस।